जन्मात्मका देवताश्वा प्रेन्तां चतुरेक्षश्वा प्रेन्तां जन शासन देवताश्वा प्रेन्ता कमलवास देवताश्वा प्रेन्ता नम पंचति देवताश्वा प्रेन्ता नवग्रहमेन्द्र देवताश्वा प्रेन्तां ओम रे नम ध्यानोदिश प्रेन्तां प्रेन्तां पंचतंत्रमण देवताश्वा प्रयतितानागता वर्तमान विकल्प अनेक विविध गुण संपूर्णाष्टक शुक्ल सिक्त सिद्ध समशुभा प्रेन्तां प्रेन्तां सर्वकालमपि गुणधनदीनां देशस्य शांति कांतवनता धर्मार्थारं जां क्षीं च स्वस्ति स्वस्ति मे स्वा कीर्ति लक्ष्मी प्रेन्तां वृषभादि आजराव केतुनग्र देवता शिवा तिथि नक्षत्र ग्रामादि सर्व विकृत गुणधनदीनां देशां धन धान्य द्वितीय बल कीर्ति सामोद प्रामोद भवतु तदास्तु शांति भवतु तदा सिद्धिर्भवतु तदास्तु वृद्धिर्भवतु आरोग्य तथा आरोग्यम आयुष्यम तथा पुण्यपुण्यता धर्मवर्तां श्रीवर्तां कुलारां जयं चीं च स्वस्ति स्वस्ति मे स्वा ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्श्वनाथ्यंकराय देवते प्रभावनदानंद शानंति विनोन सुखाय सिद्धाय बद्धाय सत्यज्ञान धनेन्द्र भाजरामरास्माकं श्री गुणधरन्दीनां देश्यां मृत्युं च तुकां च बलिकां च क्रोधं च पापं सर्वशत अग्ने सशत्वं सर्व विघ्नं च राजभयं च चोरभयं दुष्टमृतं चिन्तां सर्व ग्रहभयं च रोगं जजनाजवैश्यं जन सर्व सस्यमार्यं च धान्यवृक्षकल पात्र पुष्पमार्यं च निन्दां सर्व फल राष्ट्र देशमार्यं च कुर्वे तारसवेदिनीं सर्व मौनीयं सर्व कर्मण दुर्गतं च निन्दां ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रते जोल सर्व शांतिम कुरु जनानंद कुरु बब्बेनानंद कुरु गोकुलानंद कुरु सर्व ग्राम नगर कुरु सर्व लोक सत्तम कुरु सर्वानंद कुरु सर्व दुख मनानंद पच्च पच्च कुट कुट शीघ्रम सर्व जनवाशम हुम पट स्वाहा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेष कृण शांति शांतिनाथ शांति सर्व पाप सर्व ओम राम ह्रीम रूम रा शिवसा श्री गुणधनंदीनां दियेश चतुर्विधि संघर्ष पूजकस्य आराधकस्य पंच कल्याण प्रतिष्ठा मोह मोत महामस्तकाभिषेकस्य सर्वकार सिद्धिं कुरुकुरु रिद्धिं कुरुकुरु सिद्धिं आरोग्य संपदां कुरुकुरु रीं वशेत् नमः स्वाहा। संपूजिकाणां प्रतिपालकानां मितेन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोति शांतिं भगवान् जिनेन्द्रः। भले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। स ओम नमो भगवतो अड्डमानस सहम चक्रम जलतम गच्छे आयासं पायासं देवा दिवा देवा तम बेन्वारंगिन्वा नारायणवा मायनवा सब जीव सत्तानम अपराजितो भवतु रक रक स्वाहा। आइए अभी जो है एक महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं। जीवन के अंदर समय का बड़ा महत्व है। जीवन समय का प्रबल वर्चस्व रहता है। समय के सामने हम सबके सारी कार्य प्रणाली स्तब्ध हो जाती है। समय के आगे किसी का कुछ न चलता है न चलेगा। तो समय हर चीज की आनी चाहिए। हम एक सूत्र कहते हैं, कहावतें पूर्वजों ने कहा है, समय से पूर्व नहीं, भाग्य से अधिक नहीं, किसी को कुछ प्राप्त होता नहीं। समय की प्रबलता बहुत बड़ी होती है। तो आइए, एक ऐसा समय आ रहा है जिसकी प्रतिष्ठा होनी है, जिसकी चर्चा अनेकों समय से आप सुनते आ रहे हैं। ऐसे सुमेरु पर्वत पंच कल्याण प्रतिष्ठा का तारीख जो है, जो समय है, उसका तय किया जा रहा है। और जिसकी हम प्रतिष्ठा करना चाह रहे हैं उसका पहले एक बार दर्शन कर ले। कितना मनोहर प्रतिमाएं हैं, एक बार दिखा दे तो सब। जिन प्रतिष्ठा हो रही है, जिस तीर्थंकरों की, जिसकी प्रतिष्ठा हमें शामिल होना है, ऐसे प्रभु की, उसका आप एक बार झलकी देखिए। यह प्रतिमाएं हैं, इसकी प्रतिष्ठा होने वाली। तेरी मूर्ति इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। ये जो गाना है वो साक्षात चरित्रार्थ होगा। ये प्रतिमा बनके आपके सामने रेडी है। ऐसी 16 प्रतिमाएं हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, यह 16 प्रतिमा हैं जिनकी पंच कल्याण होना है। जो आगमों के अंदर अकृत्रिम चैतालों का वर्णन आता है, वैसे संपूर्ण रूप से यह प्रतिमा बहुत सुंदर बन करके आप सबके सामने रेडी है। अब समय आ चुका है तारीख घोषणे का, समय आ चुका है। वह कब होगा प्रतिष्ठा? महीना तो आप सबको पता है कि जनवरी में होगा। अब जनवरी में कब होगा, जनवरी में कितने तारीख से शुरू होगा और कितने समय तक रहेगा, वो भी आपको पता है कि 11 दिन की प्रतिष्ठा है। तो अब समय कब तय होगा, ऐसे समय तय नहीं होता है, एक सिस्टम होता है। कम से कम इसमें शताधिक ज्योतिष आचार्यों और शताधिक आचार्यों को शामिल करके इसका मुहूर्त निकाला गया, और इसका मुहूर्त भी जो है अनेकों के सामने, जो हमारे भारत देश के अंदर जैन धर्म के चक्रवर्ती कहलाते हैं, जिनके हस्त से, जिनके अमृत हस्त से एक नहीं दो नहीं प्रतिदिन लाख आदमी खाना खाते हैं, जिनके कारण आज एक नहीं दो नहीं कम से कम 50,000 बच्चे एजुकेशन लेते हैं, जिनके नित्य निरंतर जिनके हॉस्पिटल में उपचार करते हैं 50-60,000 प्रतिनित्य, और जो हमारे भारत देश के गौरवशाली जैन धर्म में अपने स्थान रखते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति भी इतनी बड़ी किसी की भी नहीं। भारत देश के अंदर कितने ही उद्योगपति हो उतने जैन धर्म के अंदर इनके बराबर कोई आज नहीं, जहां मुख्यमंत्री से भी जिनके स्थान मान ऊंचा है, और जहां जब कर्नाटक के अंदर चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे राज्यपाल हो, चाहे वह सामान्य नागरिक हो, चाहे वह संकट में फंसा हो, जिनका वाक्य ही वेद वाक्य कहलाता है, जिनके दरबार के अंदर जहां हमें न्याय मिलता है, जिनको न्यायाधीश कहा है, जिन्हें जो है धर्माधिकारी कहा है, ऐसे वीरेंद्र हेगड़े के मुख के द्वारा तारीख की घोषणा जो है ठीक 3 सितंबर दोपहर को 3 बजे घोषणा होगी। अब 3 तारीख को वीरेंद्र हेगड़े सपरिवार स्वकुटुंब जो है नवग्रह तीर्थ के अंदर आएंगे, और वे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष है, इस कार्यक्रम के वे जो है मेन नायक है। तो नायक होने के कारण उन नायक को यहाँ बुलाया गया है, और वो कल जो है उनका समाचार आया 3 तारीख को 3 बजे यहाँ रहेंगे, और रह करके और जो यहाँ आ सकते ठीक है, नहीं तो पारस टीवी के अंदर लाइव ही रहेगा, और अनेकों प्रमुख लोगों के सामने शुभ मुहूर्त जो है पंच कल्याण प्रतिष्ठा की घोषणा की जाएगी, जहां अनेकों राजगण, अनेकों नेतागण, अनेकों संगीतकार, अनेक विद्वान, और एक नहीं दो नहीं कम से कम 18 आचार्यों का सानिध्य मिलेगा। देखिए मुझे खुशी हो रही है, आनंद हो रहा है कि एक साधु जो आज अस्वस्थ होने के बाद भी जो माउंट आबू के अंदर बैठे सुरदेव सागर आचार्य, वे भी इस कार्यक्रम में आने की सद्भावना व्यक्त किया है, और वे 2 नवंबर के अंदर विहार करते हुए जनवरी तक यहाँ पहुंचने की वह उन्होंने एक अखाट जो है भावना भाई है। तो कहने का तात्पर्य यह है कम से कम उनको 1300-1400 किलोमीटर लंबा यात्रा होता है, जहाँ आचार्य देवनंदी महाराज, जहाँ आचार्य गुप्तिनंदी, कुशानंदी आचार्य, हमारे गुरुदेव कुंत सागर जी, सुविधि सागर जी, अनेकांत सागर जी आदि अनेकों आचार्यों का जो 200 किलोमीटर दूर है, कोई 200 किलोमीटर दूर है, कोई 800 किलोमीटर दूर है, वे सारे साधु लोग इस महा कार्यक्रम जो भूतो न भविष्यति ऐसे विशाल काया विराट जो है, जो सुमेरु पर्वत बना है, जो आपने अभी मूर्ति देखा, जो मूर्ति देखी कितनी सुंदर है। आप देखिए मूर्ति मतुम तो श्री, उस मूर्ति के अंदर हमने जो भावनाएं भाई है, जो आचार्य यति वृषभ स्वामी ने जो त्रिलोय पन्नति के अंदर जिस प्रकार जो है मूर्ति का आकृतिम चैतालय का स्वरूप दिया है, वैसे ही जो है अष्ट प्रातिहार युक्त और जो है सर्वान श्रुता और सनहत इंद्रों से शोभित चमार छत्र पुष्पटी देवदुंदबी मतम तो सजल किरकिरे। हाँ तो कहने का तात्पर्य यह है, तो ये सारे युक्त जो है सुंदर प्रतिमाएं आप सबको जो है प्रतिष्ठित एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जो है शताधिक प्रतिमाओं का वहां प्रतिष्ठापन होगा और ऐसी प्रतिमा 16 प्रतिमाओं का यहाँ जो है पूजा और अर्चना होगी। ऐसे सुंदर और यशस्वी और मनोहर, अभी इतना सुंदर प्रतिमा दिख रही है, आगे कितना सुंदर प्रतिष्ठा होगी, आप इसका कल्पना करें, विचार करें। और साधु लोग कितने दूर दूर से आ रहे हैं, आप लोगों से भी आग्रह है कि आप इतना पावन दिन पर पावन समय को सदुपयोग करते हुए आप भी अपना मन बनाइए और जीवन को सार्थक करिए, क्योंकि ऐसा प्रतिष्ठा, ऐसा कार्य आपको बार बार देखने को जीवन में प्राप्त नहीं होता। समय अपने रफ्तार से चलता रहता है। समय ऐसा चीज है जहाँ किसी को रोका नहीं जा सकता है। समय अपने गति से, अपने तेज रफ्तार से बढ़ता रहता है। समय के साथ अपने जीवन को हमें सार्थक करना होता है। मैं कल समय के बारे में बता रहा था। वो समय एक ऐसा होता है जो सब कुछ के आपके जीवन को बदल देता है और जो नहीं हो सकता है वो भी करके दिखाने में समर्थवंत होता है वो समय। देखिए भगवान बाहुबली और गोमटेश्वर की एक अजब और गजब कहानी आपने देखी होगी, सुनी होगी और पढ़ी होगी, देखी होगी मतलब धारावाहिक में देखी होगी, उस टाइम आप कहाँ थे पता नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान आदिनाथ को केवल ज्ञान होने के बाद, भगवान आदिनाथ को केवल ज्ञान होने के बाद भरत पूरा 6 खंड को जीत लिया, पूरा साम्राज्य स्थापित करा और दिग्दिगंतर के अंदर चक्रवर्ती का साम्राज्य तो अपना फैलाया और सारे जगह विजय प्राप्त कर करके जब वह पुनः पोदनपुर में आने लगे तब उनका चक्र रत्न गेट के अंदर प्रवेश नहीं करने लगा, क्योंकि चक्रवर्ती तभी होता है जब पूरा शत्रु दमन हो जाए, शरणागत हो जाए या परास्त हो जाए। एकाध भी शत्रु बचा है तो वह चक्रवर्ती नहीं कहला सकता है। तो चक्रवर्ती गेट के अंदर, महाद्वार के अंदर प्रवेश नहीं करने लगा। तब जो है तब जो है अपने मंत्रियों से पूछा, आप कौन बचा है जो हमारे शरण में नहीं आया हो। उन्होंने कहा महाराज सारे आपके शरणागत हो चुके हैं, परंतु जो आपके भाई है बाहुबली, जो आपके छोटे भाई है, वे आपके शरणागत नहीं हैं। वे आपको बड़े, अपने मान से बड़े मानते हैं आपको, परंतु राज की दृष्टि से या सत्ता की दृष्टि से, आपकी शक्ति की दृष्टि से वो आपको शरणागत नहीं होते हैं। भाई के नाते आपके शरणागत है। बोले बाहुबली को बुलाया जाए। बाहुबली से कहा तुम मुझे शरणागत हो जाओ और मेरे राज्य में मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, इसको आप प्रमाणित करो। ने काम नहीं, तुम जिस बाप के बेटे हो मैं भी उस बाप का बेटा हूं, तुम जितने शक्तिवंत हो मैं भी उतने शक्तिवंत हूँ, तुम्हारा वज्रोषभ रारा शनन है शरीर का, तो मेरा भी वही शनन है, हो जाए बोले युद्ध। तो मंत्रियों ने कहा ना आप मरेंगे, ना आप मरेंगे, परंतु सामान्य व्यक्ति लोग मर जाएंगे, क्योंकि ना उनके शरीर युद्ध हो करके महायुद्ध में सारे जो है प्रजा समाप्त होगी। आप दोनों भाई की लड़ाई में सामान्य जनता को क्यों मारी जाए। तब दोनों ने बहुत उत्तम निर्णय लिया। आज तक भारत देश के अंदर ऐसा युद्ध न कभी हुआ न हो सकता है। भाई भाई ने एक निर्णय लिया कि हम अहिंसात्मक युद्ध करेंगे। आज तक भारत देश के अंदर ऐसा कहीं भी युद्ध नहीं है जो अहिंसात्मक युद्ध हो, जहाँ हिंसा न होती हो, रक्त का प्रवाह न बढ़ती हो, किसी की गर्दन काटी न जाती हो और जहां नरसंहार न हो। ऐसे एक युद्ध है, वो अहिंसा युद्ध। वो अहिंसा युद्ध भरत और बाहुबली ने लड़ा। वो कैसा था आप सभी को पता है। जल युद्ध, मल युद्ध और नेत्र दृष्टि युद्ध। जल को फेंका जाए एक दूसरे के ऊपर, जो थक जाए, हार जाए, और जो परास्त हो जाए वह विजय कहलाएगा। दृष्टि युद्ध, एक दूसरे की दृष्टि देखना, और जो दृष्टि युद्ध में जो है, जो परास्त हो जाए, जो पलक झपका जाए वो परास्त होगा। मल्ल युद्ध, जिसको आज पहलवानी या कुश्ती कहते हैं, जो पहलवानी के अंदर जो परास्त कराया जाए वह जो है मल्ल युद्ध कहलाता। तीनों युद्ध आरंभ हुआ, नगारे बजने लगे, डंका बजने लगा और सबसे पहला जल युद्ध आरंभ हुआ। और जल युद्ध के माध्यम से एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकना आरंभ किया। एक तालाब के अंदर दोनों भाई उतरे, एक दूसरे पर पानी फेंकना आरंभ हुआ। एक ने फेंका, दूसरे ने फेंका, एक ने फेंका, तीसरे ने फेंका। ऐसे फेंकते फेंकते जो है, दिक्कत क्या थी वहां, बाहुबली लंबे थे, भरत छोटे थे और भरत के जो पानी का उछाल था वह बाहुबली की छाती तक लगता था, मुख तक नहीं लगता था। तो इसलिए यहीं से यहीं निकल जाता था, कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा था। बट बाहुबली लंबे थे, उन्हें जैसा एक फेंकते थे उनके मुंह, आंख और नाक और कान के अंदर जोर से जो है मार पड़ती थी। ऐसे युद्ध के कारण, बड़ा जो है जल के प्रहार के कारण, और भरत हार गए। भरत वहीं परास्त हो गए। उसके बाद दृष्टि युद्ध हुआ। एक चट्टान के ऊपर दोनों खड़े हो गए। नीचे निर्णायकात्मक दोनों के मंत्री देखते रह गए। अब भरत को ऐसा देखना पड़ रहा है, बाहुबली को ऐसा देखना पड़ रहा है। आप देखिए, ऐसे करोगे तो बहुत टाइम तक जो है फलक नहीं झपकता है, और ऐसा देखो तो गर्दन, सिर और आंख पर प्रेशर आना शुरू हो गया। किसको? भरत को। कुछ समय के बाद, कुछ क्षणों के बाद, कुछ समय बीतने के बाद अचानक भरत का आंख झपक गया, भरत का पलक बंद हो गया और भरत हार गए। दो युद्धों में परास्त हो गए। अब मल्ल युद्ध आरंभ हुआ और मल्ल युद्ध के अंदर